नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव सुधाकर है और आज मैं आपको वायु प्रदूषण के ऊपर एक कथा पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल हम लोग स्वच्छ वायु भी बाजार से लेने जाते हैं। आजकल हमारा स्कूल, होटल, प्लेग्राउंड सभी एक ही बिल्डिंग में हैं। हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी नहीं होती क्योंकि सारे हिल स्टेशन इन जहरीली हवाओं की वजह से ख़त्म हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। काश हमारे परिवारों ने पहले इस प्रदूषण का ध्यान दिया होता तो हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। दोस्तों, कैसा लगा आपको भविष्य का नज़ारा? अभी घबराइए मत, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर हो सकता है अगर हम लोग प्रदूषण पर ध्यान न दें। अब देखते हैं कि हम लोग प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसके कारण रोज ब रोज मानव स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है और पर्यावरण के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रदूषण ओजोन की परत को पतला करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही आप घर के बाहर कदम रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे कारखानों के परिचालन या जंगल की आग से तमाम किस्म के हानिकारक कण हवा में दाखिल हो जाते हैं, जिनसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है आबादी का बढ़ना और ट्रांसपोर्ट के नित नए नए साधनों का निर्माण, जिसकी वजह से स्कूटर, कारों और उद्योगों का बढ़ावा मिल रहा है। कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं आप देख सकते हैं और उनसे वायु प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ रहा है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट और प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव का होना भी इसका कारण है। वायु प्रदूषण के नुकसान। जहाँ पर वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर आंखों में जलन, छाती में जकड़न और खांसी आना एक आम बात है। कुछ लोग इसको महसूस करते हैं और कुछ लोग इनको महसूस नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से सांस फूलने लगती है। अनजायना या अस्थमा या अचानक सेहत खराब होना भी वायु प्रदूषण की निशानी है। साथ ही इसके तत्वों से कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा है। जैसे जैसे वायु में प्रदूषण खत्म होने लगता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और कुछ लोग बहुत ही नाजुक होते हैं जिनके ऊपर वायु प्रदूषण का प्रभाव बहुत तेज और जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों पर अधिक देर से होता है। बच्चे बड़ों की तुलना में अधिक नाजुक होते हैं, इसलिए उनके ऊपर वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक पड़ता है और वो बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में वर्म और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से कैसे बचें? सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि कर्मचारी घर पर ही बैठकर काम कर सके, एक सप्ताह में एक दिन ही कार्यालय जाएं, और अब सूचना तकनीक के आ जाने से ये संभव भी है। अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, बच्चों को कार से स्कूल ना छोड़ें बल्कि उनको स्कूल ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने घर के लोगों को कारपूल बनाने के लिए कहें, जिससे कि वो एक ही कार में बैठकर कार्यालय जाएं। इससे ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। जब जरूरत ना हो बिजली का इस्तेमाल ना करें। जिस कमरे में कूलर, पंखा या एयर कंडीशनर जरूरी हो वहीं चलाएं, बाकी जगह बंद रखें। आपके बगीचे में सूखी पत्तियां हो तो उन्हें जलाएं नहीं बल्कि उनकी खाद बनाएं। अपनी कार का प्रदूषण हर 3 महीने के अंतराल पर चेक करवाएं। केवल शीशा मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल करें। बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है, इसलिए जब प्रदूषण अधिक हो तो घरों के अंदर चले जाएं। तो दोस्तों, अगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के प्रदूषण से बच पाए तो हमारा भविष्य भी प्रदूषण से बच पाएगा और हमारे भविष्य का जीवन भी बहुत सरल रह पाएगा। धन्यवाद।